एक और एक इंपॉर्टेंट चीज है और मैं ये मानता हूं कि इसको एक्सपोज करना चाहिए मैं मंत्री होने के बाद मेरा बोलना शायद लोगों को लगेगा कि मैं क्यों बोल रहा हूं ये जो डीपीआर बनाते हैं इतने घटिया क्वालिटी के डीपीआर बनाते हैं और हमको भी कोई शर्म नहीं आती कि वो वही प्रोसेस से वही गलत गलत डीपीआर हम स्वीकार करते हैं ना उनके ऊपर कार्रवाई होती है स्टेट गवर्नमेंट में भी यही होता है सेंट्रल गवर्नमेंट भी यही होता है और डीपीआर वालों को कभी जिम्मेदार पकड़ा नहीं जाता मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि सबको मिलाकर इनके ऊपर ही एफ डालनी चाहिए क्योंकि जब लो, लोगों के मन में इसके प्रति ये जो एक उनकी गलती कितने लोगों की जान जाती है इसका कोई ना कोई विचार करेगा कि नहीं करेगा मैं भुगत भुगी मेरा एक्सीडेंट हुआ था मैं लीडर ऑफ ऑपिशन था महाराष्ट्र में तब एक पेड़ पे जा रेड लाइट कार पुलिस प्रोटेक्शन सायरन कार दस बारह पंद्रह कारों का कैनवा होते हुए मैं एक पेड़ के ऊपर गया पूरी गाड़ी पेड़ के कारण ट्रक के अंदर घुस गई और वो टायर के कारण बच गया नहीं तो पूरे कट जाते थे मेरी पत्नी थी बच्चे थे सब एक्सीडेंट हुआ पड़ा कारण क्या तो पेड़ रास्ते में आता है उसको तोड़ने के लिए कलेक्टर को परमिशन मांगकर तीन साल हुए परमिशन नहीं मिली फिर ड्राइवर को कैटरैक निकला फिर मैंने जब जांच की मेरे पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में तो 40 परसेंट ड्राइवर कैटरक वाले निकले फिर एक मुख्यमंत्री का गाड़ी का ड्राइवर अनेक सालों से गाड़ी चल रहा था रहा था वो अंधा निकला फिर एक केंद्रीय मंत्री का ड्राइवर उसकी एक आग गई थी यानी हमारे देश में मेरे समझ में नहीं आता कि इतने सीरियस इश्यू पर कितनी उदासीनता है और ये मेरे बोलना लोगों के सामने मुझे अच्छा नहीं लगता और इसलिए स्वाभाविक रूप से फिर कैम्प शुरू हुए कैटरैक चेक करने के टोल नाके पर कैटरैक्ट चेक किया चश्मे देने की बात हुई अब हमने ड्राइवर के लिए एसी सी लाई मुझे लगता है कि ये इशू शायद हमारी ये कमी होगी कि इसके जो इसका जो महत्व है लोगों की जान बचाने का शायद लोगों को समझाने में हम कम पड़े होंगे और इसलिए यह अवेयरनेस और तैयार करना होगा कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं और एक बात यह रिपोर्ट के कारण सिद्ध हुई है तो मैं पीयूष को धन्यवाद दूंगा कि जो प्रॉब्लम्स है जो समस्या है जो ब्लैक स्पॉट्स है उसको सुधारने के बाद उसमें कुछ सुधार करने के बाद एक्सीडेंट में और डेथ में कमी आई है तो इसका मतलब रोड इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में सुधार करने से कमी आ सकती है अब ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में तो बहुत सुधार हो गया सब लोगों ने एयरबैग लगाना भी शुरू कर दिया है अभी स्टार रेटिंग भी हुआ है तो नेचुरली ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में जो जो रोड सेफ्टी के लिए और हमारे लोगों की जान सुरक्षा के लिए वो हो गया है और अगर कोई सुझाव आएगा तो करेंगे ट्रक और बसेस में भी बस का कोड था कोई भी हाथोड़ा लेके बस में बैठता था और रोड पर बस बड़ी बनाता था छः बार सात बार मैंने उनको टाइम दिया अभी हमारे यहाँ समृद्धि महामार्ग पर एक बस आई जल गई पचास साल लोग मर गए उस दिन मैं इतना गुस्सा हो गया मैंने बोला सेक्रेटरी जी को कि ये ख़त्म करो इसको अब प्रॉब्लम यह है कि बसेस में जब अभी ये जो बड़े कंपनी ने बसेस बनाए अभी मैंने एक स्लीपर कोच बस बेंगलोर में लॉन्च किया था ये जो ग्लास दिखती है आपको बड़ी इस प्रकार से वो पूरी ऐसी जो विंडो थी उसमें बड़ी ग्लास है और उसके बाजू में प्लास्टिक की हथौड़ा है अगर बस गिर गई तो हथौड़े से वो तोड़ कर वो बाहर आ सकते हैं ये भी सुविधा ये अभी बस में नहीं थी घटिया क्वालिटी कितनी बनाना सस्ता बनाने के लिए तो उसके कितने लोग मर रहे हैं और इसलिए अभी हमने बस में भी और कार में पीछे से बेल्ट लगाने के बारे में नियम बनाया आज सामने वाले बेल्ट के बारे में भी नियम बना काफ़ी लोगों की जान उसके अंदर बच जाती है और इसलिए मेरा जो सुझाव है कि अब विशेष रूप से जो स्कूल के टीचर हैं हेडमास्टर है हैं इन्होंने आगे आना चाहिए उनके स्कूल में रोड सेफ्टी की प्रतिज्ञा लेनी चाहिए बच्चों को पढ़ाना चाहिए चाहे इसके कितने डेंजरस है कैसे लाइफ जा रहे हैं कितने नुकसान हो रहे हैं इसके बारे में एक लोगों का एजुकेशन प्रबोधन प्रशिक्षण और उसके साथ फिर उसका ट्रेनिंग तो ये जो जनरेशन तैयार होगी इसका बहुत फायदा होगा